हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना राजीव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी दिन पहले का वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आज मेरे बाबू के स्कूल का फर्स्ट डे है, तो मैं सुबह 5 बजे उठी थी। और मेरे हुलिये को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं सो के जस्ट उठ के, और मैंने पहले सोचा कि ना उसके ले जाने के लिए जो स्कूल से बताया गया वही चीज़ बना दूँ। तो यहाँ पे मैं तहरी बना रही थी, और फिर अपने हस्बैंड के नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी दोनों साथ में। तो मैंने उनके लिए ये तहरी मैंने बैठा दिया है, और अपने लिए भी तहरी बनाई थी कि मैं स्कूल छोड़ के आके खाऊँगी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए है, मैंने रोटी सब्जी बनाई थी उनको देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा तहरी बन गया है। और ये सब ना स्कूल से ही बताया गया था कि आप यही दीजिएगा। तो मैंने बाबू को थोड़ा सी तहरी और एप्पल और चॉकलेट मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि स्कूल वालों ने यही सब बोला था देने को। तो फ्रेंड, नाश्ता वगैरह बन गया, मैंने किचन भी साफ कर दिया, और अब बाबू को उठाया मैंने, और रो रहा है वो अभी। अब उसको रेडी करूँगी, उसका लंच बॉक्स जैसा आपने देखा पैक कर दिया मैंने। अब बैग में उसके सामान रखने हैं, और पूजा करना है। पूजा करेंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो वही करेंगे और बाबू करेगा। तो अभी मैं इसको रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं बैग पैक कर रही हूँ। तो जो स्कूल से बताया गया था कि एक्स्ट्रा कपड़ा, तौलिया, रुमाल और एक एप्रेन की तरह था जो गले में डाल के बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, जिससे कि मतलब उनका यूनिफॉर्म गंदा नहीं होगा, तो वो सब डाला मैंने यहाँ पे। एक एक्स्ट्रा रुमाल, 2 रुमाल दिए थे, और एक डाइपर, और पानी बोतल और लंच बॉक्स। बस यही बोला था, आज कोई कॉपी किताब या स्लेट नहीं जाएगी वगैरह, कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बाबू को उठाया, आधे घंटे से उसे गोदी में लिए एकदम मनाते मनाते, फिर भी उसको आदत नहीं है इतने मॉर्निंग में उठने की, तो वो रो रहा था। और 6:30 हो गए थे, और 7 बजे हमें निकलना भी था। तो यहाँ पे बाबू को मैं तैयार कर रही हूँ, और देखिए कितना रो रहा है वो। तो जैसे तैसे मैंने उसको फाइनली तैयार कर दिया है, और वो चिल्लाया जा रहा है, बाल भी नहीं बंधवा रहा था। तो जैसे तैसे मैंने बहुत ही वो करके उसको देखे फाइनली मैंने तैयार कर दिया। तो मॉर्निंग में उसे भूखे नहीं भेजना चाह रही थी, तो एक चॉकलेट वाली ना बिस्कुट रखी हुई थी उसकी, वही खाता है वो, तो मैंने उसको दिया। तो उसने एक बिस्कुट लिया, तो मैंने कहा कि चलो कुछ तो खा लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो अपना आई कार्ड दिखा रहा है, और देखिए बाबू को अभी भी मेरे खांसी है। तो इसकी तबीयत थोड़ी सही थी, तो हमने सोचा कि फर्स्ट डे है तो स्कूल जाने। तो फ्रेंड्स, फाइनली तैयार हो गई मैं भी, बाबू भी, और मेरे हस्बैंड। और देखिए वो जय जय कर रहा है, क्योंकि अभी वो पूजा करके आए हैं ना, तो बाबू जय जय कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ बैठकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बाबू ने पहली पूजा कर लिया था, और उसके पापा ने, फिर भी बाबू हाथ जोड़ के खड़ा है मंदिर के सामने। देखिए उसको ना पूजा करने में बहुत मन लगता है, वो पूजा पाठ में बहुत आगे है। तो फ्रेंड्स, 7 बज गए, और 7:30 से इसका स्कूल स्टार्ट है। तो अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि जाने में 15 मिनट लगेगा, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 7:30 से ये मेरा बेटा तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब। चप्पल मेरा उधर। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल गए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है। अच्छा लग रहा है बाबू? हाँ। पापा, मम्मी ईटा है। ईटा है। एरोप्लेन पे जाना है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में ना मैं घर का ही चप्पल पहन के चली आई थी, तो वही चेंज करने में फिर भाग के गई हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं, पर इस मॉर्निंग के टाइम में ना ऑटो जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि स्कूल के बच्चे काफ़ी जाते हैं और मुझे ना फीवर भी था, मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का, बट बाबू अपने पापा के साथ नहीं गया तो इसीलिए मैं गई थी। ये है सोफिया स्कूल, इसका बोतल आ गए हैं, अब जाते हैं स्कूल के अंदर। तो फ्रेंड्स यही है सोफिया स्कूल, इसी में बाबू का एडमिशन करवाया है हमने। तो बाबू को मैं अंदर छोड़ के आ गई थी, बाद में मैं ये वीडियो बना रही थी क्योंकि सुबह बहुत ही भीड़ था इसीलिए। तो फ्रेंड्स बाबू को छोड़ के आ गई स्कूल और मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। आवाज़ शायद आपको कम आ रही होगी क्योंकि गला बैठ गया है मेरा पूरा। तो फ्रेंड्स सांस चढ़ी है क्योंकि जस्ट अभी आई हूँ मैं, और बहुत उतार चढ़ाव हुआ है फ्रेंड्स, मुझे ना जाने का मन नहीं करता पैदल, वहाँ के रास्ते ना बहुत उतार चढ़ाव है, सांस चढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना सही टाइम पे निकल गए थे, अब डेली 7 बजे निकलेंगे क्योंकि फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा जल्दी निकलते हैं, बट 7 बजे ही निकलना सही है कि सही टाइम पे बच्चा पहुंच जा रहा है स्कूल, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ना ऑटो भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि बच्चे सब स्कूल जाने वाले हैं, तो सारी ऑटो भरी हुई जा रही थी। तो हमने वहाँ पर ना मैक्सिमम 10 से 15 मिनट हमने वेट किया तब जाके हमें ऑटो मिली, सारी भरी जा रही थी। जिनका अपना है मतलब कार या बाइक तो वो तो सही है, वो 7-15 पे भी निकलेंगे तो सही है उनका, बट और फ्रेंड्स मेरा ना बाबू रो नहीं रहा था, स्कूल भी गया तो हंसते हुए गया और क्लासरूम में भी गया तो हंसते हुए गया, बस क्लासरूम के बाहर ना एक बेबी गर्ल थी, वो अपनी उसकी मम्मा छोड़ रही थी रूम में, तो वो बहुत तेज तेज से रो रही थी। अब उसको देख के ना मेरा बाबू भी रोने लगा, अब मेरा बाबू रोने लगा तो अंदर क्लास के अंदर 2-3 बच्चे और थे वो भी रोने लगे, और 2-3 बच्चे मतलब कि थे, मतलब 8 बच्चे थे जिसमें से 2-3 बच्चे रोने लगे, बाकी तो चुप थे, शायद उनको जाने की आदत थी, वो पहले से जाते होंगे मतलब उसमें क्या कहते हैं प्ले स्कूल वगैरह में, तो इसीलिए वो बच्चे नहीं रो रहे थे, और 2-3 बच्चे तो एक दूसरे को देख के ही रो रहे थे, जैसे मेरा बाबू वो बेबी गर्ल थी ना उसको देख के रोने लग गया, वो रो नहीं रहा था, खुशी खुशी जा रहा था, और बस वो रोने लगी ना बस वो भी रोने लगा, तो मुझे भी रोना आ गया वहाँ। और अंदर अलाउ नहीं है वीडियो वगैरह बनाना, मैंने नहीं बनाया कि अच्छा नहीं होता फिर कोई बोले, तो टीचर कह रही है कि आप जाओ और नहीं तो आप रहोगे तो वो और रोएगा, तो मैं चली आई थी आधा, फिर मैं वापस जाके ना बाहर से छुप के झांक के देखा मैंने उसे, तो वो अभी भी रो ही रहा था, खड़ा था अपनी सीट पे बैठ भी नहीं रहा था और रो ही रहा था। तो मैम ने बोला कि आप जाओ चुप हो जाएगा, अभी हम लोग इन बच्चों को खिलाएंगे ना तो ये सब चुप हो जाएंगे, तो मैं चली आई यार, मैं भी बहुत रोई, मुझे भी ना बहुत रोना आ रहा था, फर्स्ट टाइम 3 घंटे अलग रहेगा ना वहाँ पे, मतलब टीचर वगैरह हैं पर माँ बाप नहीं होंगे, बहुत बुरा लग रहा। अभी जाऊँगी फिर 10:30 में स्कूल छूटेगा, तो हमने गार्ड भैया से बात की तो उन्होंने बोला कि मतलब कि 10:30 में छूटता है, तो 10 बजे जाऊँगी, 10:15 तक जो बस जिनकी लगी है ना उन बच्चों को छोड़ा जाता है, और 10:15 के बाद जिनके पेरेंट्स जाते हैं ना लेने उन पेरेंट्स को अंदर ही भेजा जाता है, और वो क्लासरूम से अपने बच्चे ले आएंगे और उनको मैम जाने देती हैं, तो ऐसा है। तो अभी हैं 2 घंटे मेरे पास, तो 2 घंटे में घर का काम निपटाती हूँ क्योंकि मैं सुबह नाश्ता बनाई हूँ, और नाश्ता बना के बाबू का टिफ़िन उफिन तैयार करके और मैंने दे दिया उसको, बाकी किचन का काम निपटा दिया है, अब बस घर साफ़ सुथरा करूँगी और आके नहाऊँगी, बाबू को लेके आऊँगी ना तभी नहाऊँगी क्योंकि नहाने में टाइम लग जाता है,
कहीं लेट हो गई तो ये डर है, इसीलिए मैं ऊपर ऊपर का काम कर लेती हूँ जो होता है पैसे। तो अभी पहले मैं आराम करूँगी, पानी पीऊँगी, कुछ खा के दवाई खाऊँगी क्योंकि मेरा गला बैठा जा रहा है खांसी से, तो पहले दवाई खाऊँगी। और पता है फ्रेंड्स, घर ना बहुत सूना लग रहा है यार, अजीब सा ही लग रहा है मुझे, अंदर भी जाने का जी नहीं हो रहा, छत्ती पे हूँ देखो आप, घर लॉक है। तो मेरे हस्बैंड चले गए उधर से उधर ऑफिस, मैंने बोला कि आप चलिए घर, तो कह रहे नहीं फिर जाऊँगा, फिर 2 मिनट में रिटर्न होना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ आप जाओ। तो मैं आ गई और उन्होंने ना पैसा दिया, मैं कुछ लेने गई थी, उन्होंने इतना पैसा दिया कि ज़रूरत पड़ेगी चाहे कुछ भी। तो फ्रेंड्स अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि कब 10 बज जाए और मैं चली जाऊँ स्कूल, ऐसा लग रहा है। आज ना टाइम काटने से नहीं कटेगा मेरा, बहुत बुरा। और मुझे तो डर है कि कल से वो तैयार भी नहीं होगा, उसे पता चल गया ना कि अब मम्मा मुझे छोड़ के आएगी डेली, तो वो ना कल से तैयार भी नहीं होगा, मुझे ये भी डर है। कल से और जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसे मनाने में और रेडी करने में ना बहुत, आज तो मैं 5 बजे उठी थी, कल से तो मैं 4 ही बजे उठूँगी, क्योंकि बच्चे को ना मनाने में भी टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, तो कल से और जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। 3 घंटे नहीं, अब तो 2 घंटे बचे हैं, 8 बज गया, 2 घंटे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से तो अब जाऊंगी ना, तभी मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने घर का काम निपटा लिया है, बस अब नहाना है, तो मैं नहाई नहीं ना इसलिए कि कहीं लेट ना हो जाऊं, तो अब आऊंगी तो नहाऊंगी। तो 10 बज गया है, तो अब मैं निकल रही थी, मैंने नाश्ता भी कर लिया है, मुझे ना दवाई खाना था इसलिए, तो दवाई भी खा लिया। और सुबह मेरे हस्बैंड पूजा कर दिए थे, तो इसीलिए पूजा का कोई वो नहीं था, तो मैंने खा लिया आज बिना नहाए, और दवाई खा ली। अब जा रही हूँ मैं बाबू को लेने स्कूल, क्योंकि 10 बज गया है और 10:30 बजे उसका स्कूल ऑफ होगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और देखिए क्या किया है क्या नहीं मैम, उसकी क्या क्या बोलती हैं क्या कहती हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, दरवाज़ा लॉक कर दिया है और चलते हैं, देखते हैं बाबू कैसा होगा। मुझे ना इतना जल्दी हो रहा है जाने का, तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, चलते हैं। नहीं रहोगे ना, अच्छा लगा ना। तो फ्रेंड्स घर चल के बात करते हैं पति। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शाम हो गई है। घर आने के बाद ना बाबू खाने के लिए मांगा, तो मैंने उसे पहले खिलाया, खिलाने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह बच्चों का हो रहा है, मतलब स्कूल जाना और कभी गया नहीं है ना, तो सुबह मैंने इसे 6 बजे उठाया था, और 6 बजे उठा के रेडी वगैरह किया था, इसीलिए 1 घंटा पहले उठाया था कि मतलब कुछ खा पी लेगा, बट बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, बस तैयार होकर चला गया, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं खाया। मैंने रोटी भी बनाई थी, चावल भी बनाया था जैसे आपको दिखाया था, तो इसने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर मैंने इसको टिफ़िन पैक किया था ना, तो ये शायद वहाँ जाके खाया है थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स आपको बताओ ना कि मतलब इसकी एक टेबल पे ना 2 बच्चे बैठ रहे हैं, तो इसके बगल में जो बेबी बैठा होगा ना, उसका टिफ़िन इसके बैग में आ गया है, पता नहीं कैसे इसने रखा है, उस बाबू ने रख दिया, समझ नहीं आ रहा। और पहला दिन था, उसका टिफ़िन आ गया, और टिफ़िन में कुछ नहीं था, बस एक टुकड़ा एप्पल का था, इतना छोटा सा। और मैंने इसको जो मतलब पुलाव बना के दिया था, चने दाल और सोयाबीन की, इसने खाया था थोड़ा, और कह रहा था कि मैंने बाबू को भी खिलाया और बाबू बहुत अच्छा है, ऐसे बोल रहा था। आप पता नहीं खिलाया नहीं खिलाया, बट बोल रहा है तो खिलाया ही होगा, क्योंकि चावल मैंने जितना दिया था ना सब फिनिश कर दिया था, इसने बस थोड़ा सा बचा था, तो वो घर आके अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा बचा था तो घर आके इसने 2-3 चम्मच खाए उसी में से, और उसके बाद फिर ये सो गया। फ्रेंड्स थक गया था ना, ये पहली बार था तो थक गया था। और फ्रेंड आज बाबू का
फर्स्ट डे था स्कूल का, तो इसी खुशी में मैं खीर बना रही हूँ। देखिए इधर खीर बन रहा है, और जो सूखे वाले मटर होते हैं ना उसके छोले और पूड़ी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सूखे वाले मटर के छोले, तो मैंने उसी के छोले बनाए हैं। और पूड़ी बनाऊँगी अभी, पूड़ी मतलब बाद में ही बनाऊँगी गर्म गर्म, अभी बस खीर और पूरी सब्जी बनाती है। जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तब मैं आटा मल के अभी रखूँगी, अभी आटा भी नहीं मला है मैंने, और फिर बनाऊँगी। और फ्रेंड्स ना थकान बहुत हो रही है क्योंकि आदत नहीं है ना, मतलब एक ही बार आने जाने का और डबल डबल बार इतने दूर दूर हो जा रहा है ना, और ऊपर नीचे रास्ता है ना, तो बहुत थकान मुझे भी हो गई थी, तो मैं भी आके नहा के सो गई थी। और सीधे शाम को उठी हूँ तो मैंने कुछ नहीं आई थी बिना, थोड़ा सा खाई थी, सुबह नाश्ता करके गई थी, और सो के उठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा भी खाई हूँ, और उसके बाद मैं खाना बनाने लगी कि चलो दूध रखा हुआ था फ्रिज में तो मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं, क्योंकि आज बाबू का फर्स्ट डे था। भाई हर पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है। और फ्रेंड्स मैं 10 बजे जा रही थी ना, तो मैं सोची थी कि मैं ही पहले जा रही हूँ, बट वहाँ तो और भी पेरेंट्स ऑलरेडी आ चुके थे, और बहुत सारे पेरेंट्स पहले ही आके बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं उन लोगों को लगता कि नहीं लगता, सभी बात कर रहे थे आपस में इसीलिए। और जब मैं क्लासरूम में गई ना लेने बाबू को, मतलब वहाँ में मैं गई थी इसे लेने, तो एक जैसे ही सारे बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे, सब छोटे छोटे, मुझे ये दिख ही नहीं रहा था कि ये है किधर, तो ये खुद ही अपनी सीट से उठ के और बोलते हुए आया, मम्मी आ गई, और हंसते हुए दौड़ते हुए आया, तो और आके ना सीधे ही मेरी कमर पकड़ लिया कस के, और हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, तो फिर मैं इसे गोदी लेके चली आई। तो फ्रेंड्स कह रहा था कि मैं बहुत रोया, और वहाँ पे जो मैम वगैरह थी बोल रही थी कि हाँ स्टार्टिंग में ये बहुत रोया, बट बाद में चुप हो गया, उसके बाद फिर आराम से बैठा हुआ था, जो करवा रहे थे एक्टिविटी वो कर रहा था, तो चलो सही है। बट कल का मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आज तो मतलब उसमें चला गया, मतलब कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं घूमने ये सोच के, बट अब तो इसको पता चल गया कि मम्मी लेके जाएगी और छोड़ के आ जाएगी, तो कल का डर है फ्रेंड्स कि कल जाएगा नहीं जाएगा। कल जाओगे स्कूल? हाँ बोल तो रहा है कि अच्छा लगा आपको वहाँ? फ्रेंड्स बोल तो रहा है कि जाऊंगा, और आगे भगवान जाने, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा खाना बन गया है, छोला खीर और पूड़ी, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही है बाबू के स्कूल की, तो उसके पापा खाना खाने के बाद उसके यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं मिलता है हमें, तो इसीलिए नाइट में ही सब कुछ रेडी करके रख देते हैं, और प्रेस मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो वो अपना कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बाबू की मेडिसिन भी रखी हुई है, तो मैंने जस्ट खिलाया था। और यहाँ पे देखिए रुमाल दिखा रहे हैं, तो यहाँ ना 6 दिन का 6 रुमाल है, और सब पे ना मैम ने कहा था कि बच्चे का नाम लिख देना, तो वही लिखे हैं। और ये फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का है, तो स्कूल से आने के बाद बाबू को मैंने नहलाया था, और नहलाने के बाद यहाँ मैं इसके सिर में मालिश कर रही थी, और क्योंकि मॉर्निंग में ना काफ़ी मॉर्निंग में स्कूल है, तो बच्चा उतनी सुबह ना नहाने को नहीं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रोता है, इसको तो मनाने में मुझे 1 घंटा निकल जाता है, ये अब इतना जीत, पहले दिन तो आधे घंटे में ही मान गया था, इसे लगा कि घूमने जा रहे हैं, बट अब तो ये बहुत जिद करता है, जल्दी मानता नहीं है, रेडी नहीं होता है। तो वही स्कूल से लाने के बाद और थोड़ा आराम करने के बाद मैंने इसे नहलाया था, और यहाँ पे इसको कंघी कर रही हूँ, इसे खिला दिया है मैंने, और अब हम सो जाएंगे क्योंकि थकान बहुत होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स ये पहले की वीडियो थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को शेयर कर दूं, तो मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।